दोस्तों जीएच एनाबॉलिक्स या फिर इंसुलिन से बॉडी बिल्डर्स के हार्ट या फिर उनके ऑर्गन्स बड़े होते हैं, ये तो हमने सुना है और रिसर्च ने भी ये प्रूव करा है। बट क्या इन सारे चीज़ों से बॉडी बिल्डर की डेथ हो सकती है? देन स्ट्रेट आंसर इज यस, बिकॉज जो वर्ल्ड के सबसे फेमस कोच है जिन्होंने रॉनी कोलमन को लगातार 8 बार ओलंपिया का टाइटल जितवाया है, मतलब चैट निकोल्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनके 4 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी। यस गाइज, ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर बॉडी बिल्डर की खुद की लापरवाही भी हो सकती है, पर चारों बॉडी बिल्डर्स के डेथ का रीज़न हार्ट अटैक था। तो क्या इसमें चैट निकोल्स की गलती थी या फिर बॉडी बिल्डर्स की खुद की गलती थी, इसके ऊपर डिस्कशन रहने वाला है। एंड आई कैन प्रॉमिस यू गाइज, दिस वीडियो विल डेफिनेटली गिव यू मोर नॉलेज अबाउट बॉडी बिल्डिंग, क्यों बॉडी बिल्डर्स की डेथ होती है, क्यों उनके ऑर्गन्स बड़े होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो कुछ नया और अलग कंटेंट लाने की मैंने कोशिश करी है, सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए हम कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है डैलस मैकार्वर का। तो गाइज, ये काफ़ी पसंदीदा बॉडी बिल्डर थे, काफ़ी सारे लोग उनको जानते, आप भी शायद जानते होंगे, बट 2017 में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी। उनकी उम्र जस्ट 26 साल थी और 26 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया था, फिजिक वाइज भी और अपने करियर में भी ग्रो कर लिया था। और कैसे भी करके उनको जस्ट ओलंपिया का टाइटल जीतना था और इसीलिए उनको जल्दी जल्दी मसल मास पुट ऑन करना था। पर सक्सेस पाने की हंगर उनको इतनी ज़्यादा थी कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना वो भूल गए। बट दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पर एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज एक कोच के अंडर बॉडी बिल्डर ट्रेन कर रहा होता है, कंपाउंड का यूसेज कर रहा होता है, तो कोच की प्रायोरिटी बनती है अगर अपना स्टूडेंट फिजिकली फिट है देन वो मेंटली प्रेप कर सकता है। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है देन आप लाइफ लॉन्ग बॉडी बिल्डिंग में करियर बना सकते हो। जैसे कि डेक्स्टर जैक्सन एक बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज उन्होंने लगभग 30 सालों तक कम्पीट किया था, 30 से भी ऊपर सालों तक, और उन्होंने कंसिस्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखा था और उन्होंने कंसिस्टेंटली कम्पीट किया था, मतलब हर एक ईयर में उन्होंने कम से कम 2 कॉम्पिटिशन्स खेले, और इतने लंबे टाइम के लिए खेलने के बाद भी वो फिट है, इसका मतलब क्या हो सकता है? उन्होंने टाइम टू टाइम अपने बॉडी का चेकअप किया होगा, अपने ऑर्गन्स की केयर करी होगी, ओवरऑल हेल्थ को उन्होंने ध्यान दिया होगा। सो गाइस, सन 2017 में डैलस अपना मील कर रहे थे, मतलब बेसिकली वो खाना खा रहे थे और सडनली उनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गए उसमें शो हुआ कि जो उनका हार्ट था वो 3 टाइम्स बिगर था एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के हार्ट से। जैसे कि उनके हार्ट का वेट था 863 ग्राम्स, मतलब अराउंड उनका 1 kg समझ लो हार्ट का वेट था, और उनके लीवर का वेट था 4.5 kg, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बींग के लीवर से 3 टाइम्स ज़्यादा है। नॉर्मल ह्यूमन बींग का लीवर अराउंड 1.5 kg होता है, बट डैलस का 4.5 kg था। तो आप सोच सकते हो कि जो एनाबॉलिक्स होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जो PDEs होते हैं, वो ऑर्गन्स पे कितना ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। बट अगर जो बॉडी बिल्डर सक्सेसफुली करियर एंड भी किया है, जिसके फिलित होते हैं, जय कटलर होते हैं, इन्होंने अपने हेल्थ को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था और उनके कोच ने भी इन सारे बॉडी बिल्डर्स का ध्यान रखा था, उनके ब्लड रिपोर्ट चेक करे थे, उनकी फिजिकल कंडीशन जानने के बाद ही उनसे प्रेप करवाई थी। सो आई थिंक कोई बॉडी बिल्डर अगर ये वीडियो देख रहा है देन आप लोगों को एक मैसेज मिलता होगा कि आपको अपने हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। हेल्थ को अगर आप अच्छा रखोगे देन आपके बॉडी बिल्डिंग करियर भी काफ़ी लंबे टाइम के लिए टिक सकता है और आप बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स कर सकते हो। सो दोस्तों, दूसरे बॉडी बिल्डर आते हैं जो कि चैट निकोल्स के अंडर ट्रेन करते थे खुद को, उनका नाम है नासिर एलसम बाटी। और दोस्तों, ये काफ़ी फेमस बॉडी बिल्डर हुआ करते थे, आप सभी लोगों को पता होंगे। सन 2014 में उनकी डेथ हो गई थी और डेथ का रीज़न ये था, उनके फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी फेलियर हो गया, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आ गया। और दोस्तों, नासिर के डेथ का रीज़न ये भी बताया जाता है कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी 300 पाउंड्स के थे। और दोस्तों, आजकल के बॉडी बिल्डर्स का ऑक्सीजन 300 पाउंड्स का होता है और नासिर रिटायरमेंट के बाद 300 पाउंड्स पे थे, इसका मतलब क्या हो सकता है? डेफिनेटली वो PEDs का तो यूज कर रहे होंगे और वो कुछ भी खाना खाते थे, ज्यादा प्रॉपरली वो डाइट नहीं करते थे, और इसी के कारण उन्होंने अपने हेल्थ को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनको किडनी फेल्योर एंड हार्ट अटैक साइमल्टेनियसली आ गया। सो गाइज, नासिर के डेथ से बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी हलचल मची थी, काफी नोटिस करा गया था इस डेथ को और बॉडी बिल्डिंग की एक डार्क साइड लोगों के सामने आ गई थी। सो गाइज, इस लिस्ट में थर्ड बॉडी बिल्डर आते आर्ट एटवुड, जिनकी डेथ हो गई थी सन 2011 में, जब उनकी उम्र ओनली 37 ईयर थी। तो दोस्तों, 37 एज भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती, काफ़ी कम उम्र होती है, बट दोस्तों वो नॉर्मली चिल कर रहे थे अपने लाइफ में, जस्ट स्विमिंग पूल के बाजू में वो चल रहे थे, ही वॉज जस्ट चिलिंग, और सडनली उनको मैसिव हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इनके ऑटोप्सी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली, बट ये भी चैट निकोल्स के स्टूडेंट थे। तो दोस्तों, अगर
कॉमन डेथ का रीजन आ रहा है वो भी एक कॉमन कोच के अंडर, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, कोच की गलती होती है या फिर उनके जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बिकॉज सारे बॉडी बिल्डर्स गलत प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, सारे बॉडी बिल्डर्स की खुद की गलती नहीं हो सकती, या फिर डेफिनेटली चैट निकोल्स को भी उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए था। सो गाइज, इस लिस्ट में फोर्थ बॉडी बिल्डर आते हैं डॉन यंग ब्लड। तो दोस्तों, उनकी डेथ हुई थी सन 2005 में, जब उनकी उम्र थी 49 ईयर, और उन्होंने मास्टर ओलंपिया भी जीता हुआ था। और डॉन यंग ब्लड के डेथ का रीज़न भी हार्ट अटैक ही था। तो दोस्तों, चारों बॉडी बिल्डर की मौत हार्ट अटैक से होती है, बट चैट निकोल्स बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस कोच है और काफ़ी टैलेंटेड कोच भी उनको कहा जाता है, बिकॉज लगातार 8 सालों तक किसी बॉडी बिल्डर को जिताना वो भी वन साइडेडली एक मुश्किल बात होती है, जो कि चैट निकोल्स ने करके दिखाया था। और एक टाइम तो ऐसा था कि जब ओलंपिया स्टेज पे चैट निकोल्स के 12 स्टूडेंट्स खेल रहे थे, मतलब 12 बॉडी बिल्डर जो कि उनके अंडर कोचिंग लेते, वो एट द सेम टाइम ऑन द सेम स्टेज कम्पीट कर रहे थे, और ये काफ़ी प्राउड वाली बात होती है। और इससे भी हमें चैट निकोल्स के कोचिंग पैटर्न का अंदाज़ा लग सकता है, उनके नॉलेज का, टैलेंट का अंदाज़ा लग सकता है, बिकॉज सबसे पहले 12 स्टूडेंट्स होना बॉडी बिल्डिंग में यही बहुत बड़ी बात होती है एज अ कोच, और उसके बाद 12 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवा के ओलंपिया के स्टेज पे सेम ईयर में खेलवाना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, और उसके बावजूद 4 बॉडी बिल्डर्स की डेथ होना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सो दोस्तों, आपको इन सब के ऊपर क्या लगता है, आपको क्या लगता है किसकी गलती होगी, या फिर बॉडी बिल्डिंग में ये डेथ क्यों होती है, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आपका नॉलेज आप डेफिनेटली, या फिर आपका ओपिनियन आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स ने टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को लॉन्च किया है, और वो क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल टैबलेट्स है, बट ट्रांसफॉर्मिंग न्यूट्रिशन इस चीज़ की गारंटी दी है कि अगर आप इसे कंज्यूम करते हो उसके बाद आपकी ब्लड टेस्ट भी होती है तब भी आप नेचुरली पाओगे। तो इसीलिए नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में जो कम्पीट करना चाहते हैं वो भी इसे ले सकते हैं और अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली दोस्तों, हम 2-3 सालों तक वर्कआउट करते हैं, वे प्रोटीन खाते हैं, डाइट करते हैं, हमारी बॉडी जल्दी जल्दी ग्रो होती है, बिकॉज वो होता है नूबी पीरियड में बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, बट उसके बाद हमें खुद को ले जाना होता है एक एडवांस लेवल पे, वो भी नेचुरली। तो आपकी बॉडी डिमांड करती है एक बूस्टेड टेस्टोस्टेरोन, तो इसमें सारे वो नेचुरल कंटेंट्स डाले गए जो कि आपके बॉडी में जाने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेंगे, बट वो एक हेल्दी वे में आप नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करोगे। और टेस्टोस्टेरोन क्यों जरूरी होता है, हर एक मसल फाइबर बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो जब से मैंने यूज़ करना चालू किया है, मैंने 40 kg ईच हैंड चेस्ट को बेंच प्रेस लगाया गाइस, एंड ये मैंने लाइफ में पहली बार कर चुका हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सड्रॉल टेस्टोस्टेरोन एंड जीएच बूस्टर। तो अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरा कूपन कोड यूज करके आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड 60 टैबलेट्स है गाइस, एंड हेल्थ गारंटी है, सेफ्टी है, एंड 100% रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आ गया होगा, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज अपडेट्स के साथ साथ ऐसे कंटेंट्स में डेली लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट।